हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म। तो जैसा कि नाम ही है, दो टर्म की बात हो रही है। हिंदी में द्विपद प्रमेय कहा जाता है और यह दिया गया था सर इसैक न्यूटन के द्वारा। तो इसे हम लोग सर इसैक न्यूटन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो सर आइजक न्यूटन आप जानते हैं, बहुत ही वेल नोन फिजिसिस्ट हैं, मैथमेटिशियन भी हैं। तो देखिए, दो टर्म, मान लीजिए ए और बी दो टर्म हैं। अगर इनका पावर एन अगर है, एन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर पावर है मतलब ए प्लस बी मल्टीप्लाई एन टाइम्स करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है कि हम रियल में मल्टीप्लाई करें, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करें, फिर सिम्प्लीफाई करें, तो हमारे पास एक कलेक्शन होगा। लेकिन सर इसैक न्यूटन ने सबसे पहले एक फार्मूला दिया ए प्लस बी होल पावर एन टाइप के एक्सपेंशन के लिए। उनके अनुसार ए प्लस बी होल पावर एन का जो एक्सपेंशन होगा एन सी जीरो ए पावर एन प्लस एन सी वन ए का पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू और ये बी स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि ए का पावर एन फर्स्ट टर्म में, फिर सेकेंड टर्म में वन कम हो गया, थर्ड टर्म में दो कम हो गया एन से, और b का पावर यहाँ जीरो है पहले टर्म में, दूसरे टर्म में b का पावर वन है, तीसरे में b का पावर टू है। तो मतलब a का पावर एक एक कम होता जा रहा है और b का पावर एक एक बढ़ता जा रहा है। तो इसी टाइप से ये कंटिन्यूड होगा और इसमें n c r भी आएगा कहीं बीच में, a का पावर n माइनस आर बी पावर एन सॉरी बी पावर आर, इसी टाइप से इसके बाद हो जाएगा एन सी आर प्लस वन ए का पावर एन माइनस आर माइनस वन और बी का पावर आर प्लस वन हो जाएगा। और इसी टाइप से ये कंटिन्यूड होगा और जो लास्ट में हमें मिलेगा एन सी एन ए का पावर जीरो होगा लेकिन बी का पावर एन होगा। और ठीक इसके पहले का जो टर्म होगा एन सी एन माइनस वन ए का पावर वन हो जाएगा और बी का पावर एन माइनस वन होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए का जो पावर है एक एक कम होता जा रहा है और लास्ट वाले टर्म में देखिए ए का पावर जीरो है, कुछ नहीं है, मतलब क्या ए का पावर जीरो है यहाँ, और बी का जो पावर है एक एक बढ़ते जा रहा है। जैसे पहले टर्म में बी का पावर कुछ नहीं, मतलब बी का टर्म ही नहीं है, मतलब बी का पावर जीरो यहाँ मान सकते हैं, यहाँ बी का पावर वन। तो ए का पावर एक एक कम होता जा रहा है और बी का पावर एक एक बढ़ता जा रहा है। और अगर आप ध्यान देंगे तो किसी भी टर्म में a का पावर और b का पावर का जो प्लस है n के बराबर है। देखिए a का पावर n माइनस वन और b का पावर वन, n माइनस वन और वन प्लस करेंगे n आएगा। यहाँ देख लीजिए a का पावर n माइनस टू, तो n माइनस टू टू ऐड करिए तो n आएगा। कहीं भी देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए a का पावर वन n माइनस वन, तो वन n माइनस वन तो n आ जाएगा। यहाँ पे a का पावर जीरो है, b का पावर n है, तो जीरो प्लस n n हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि
इस एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो देखिए n प्लस वन टर्म होगा टोटल टर्म्स की संख्या। और देखिएगा ध्यान से, एन सी जीरो बाइनोमियल कोफिशेंट है पहले टर्म का, इसकी वैल्यू उतना ही होगी जितना कि लास्ट टर्म में जो बाइनोमियल कोफिशेंट है, मतलब एन सी जीरो और एन सी एन बराबर होगा। उसी टाइप से अगर आप सेकेंड टर्म में देखेंगे तो सेकेंड टर्म में बाइनोमियल कोफिशेंट एन सी वन है, तो ये बराबर होगा। सेकेंड लास्ट जो टर्म है वहाँ का जो बाइनोमियल कोफिशेंट होगा, तो सेकेंड लास्ट टर्म ये है, तो एन सी एन माइनस वन। इसी टाइप से आप देख रहे हैं कि एन सी टू की जो वैल्यू होगी, मतलब जो थर्ड टर्म है उसमें जो बाइनोमियल कोफिशेंट है, और लास्ट से जो थर्ड टर्म आएगा वह होगा आपका एन सी एन माइनस टू होगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अब एक बात और ध्यान देना है इसमें, एन सी आर देखिए यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू होगी एन फैक्टोरियल एन लिखा है और ये देखिए एक्सक्लेमेशन का साइन है, अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इस नोटेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, राइट एंगल का साइन बना देते हैं और ये एन में लिख दिया, लेकिन पढ़ेंगे वही एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि फैक्टोरियल एन क्या है, तो देखिए फैक्टोरियल एन मतलब हुआ कि एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, ऐसे ही थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब फर्स्ट एन काउंटिंग नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा एन फैक्टोरियल होगा। जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल फाइव है, तो मतलब होगा कि फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब आप मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी, सिक्सटी टू जा वन ट्वेंटी हो जाएगा। इसी टाइप से आप फैक्टोरियल फोर भी निकाल सकते हैं, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, चाहे आप फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन कहिए या वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर कहिए, बात एक ही है। तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा तो आपका 24 हो जाएगा। उसी टाइप से आप फैक्टोरियल 6 भी निकाल सकते हैं, तो 6 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो देखिए 6 फाइव जा 30, 30 फोर जा 120, 120 थ्री जा 360, टू जा 720 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, किसी भी टर्म में ए का जो पावर है, बी का जो पावर है, उन पावर्स का जो सम है वह एन के बराबर है जो पावर है, और इस एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितने हैं, तो एन प्लस वन है। मान लीजिए एन की वैल्यू 10 है तो टोटल टर्म 11 हो जाएंगे, एन की वैल्यू 5 है तो टोटल टर्म 6 हो जाएंगे। और देखिए बाइनोमियल जो कोफिशेंट हैं बिगिनिंग से और एंड से, मतलब बाइनोमियल कोफिशेंट इसको मैं ऐसे अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा बाइनोमियल कोफिशेंट्स इक्वी डिस्टेंट
फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड आर इक्वल न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली ठीक है, मतलब एन सी जीरो एन सी एन के बराबर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, एन सी वन एन सी एन माइनस वन के बराबर होगा, एन सी टू यहाँ का जो टर्म होगा एन सी एन माइनस टू के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा एक बात और, जो इसमें जनरल जो टर्म होगा, जनरल टर्म, जनरल टर्म का जो सिंबल होगा टी आर होगा, और ये जो टी आर है किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, जनरल जो टर्म है टी आर एन सी आर, या ये कह लीजिए यहाँ पे आप आर प्लस वन भी लिख सकते हैं, अगर टी आर लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर माइनस वन हो जाएगा, और ए का जो पावर होगा वह हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन, और बी का पावर आर माइनस वन होगा, ठीक है, बात को समझिएगा। अगर मान लीजिए जनरल टर्म आप आर प्लस वन टर्म को ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप लिखेंगे एन सी आर लिखेंगे, और ए का पावर एन माइनस आर होगा, और बी का पावर आर होगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आरथ टर्म है, ये जो है आर प्लस वनथ टर्म है, तो जब आरथ टर्म होगा तो एन सी आर माइनस वन होगा, और ए का जो पावर होगा एन और आर माइनस वन का डिफरेंस होगा, और बी का जो पावर होगा आर माइनस वन होगा। और अगर आप आर प्लस वनथ टर्म की बात करेंगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट एन सी आर होगा, ए का पावर एन माइनस आर होगा, तो ए का पावर कैसे निकल रहा है, एन और आर का डिफरेंस है यहाँ, और जो आर है यहाँ वही बी का पावर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ।